श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आज सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल रिंग। कल जो है वो अपन ने पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है उसको डिस्कस किया था, उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके गुणांक क्या होते हैं, इन सबको अपन ने और उनके टाइप्स को भी अपन ने कल के वीडियो के अंदर देखा था। आज का जो वीडियो है वो है अपना पॉलिनोमियल रिंग के कुछ एग्जाम्पल्स को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसके पहले जो एग्जांपल्स है उनके अंदर अपना रहेगा, अपने को दो फंक्शन यहाँ पर गिवन रहते हैं और उनकी हेल्प से अपने को उनका एडिशन और जो कल मैंने आपको इन पर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है वो मैंने आपको सिखाया था कि जब अपने को दो पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन होते हैं तब अपन उसको एडिशन कैसे करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर ए और बी गुणांक की फॉर्म में यहाँ पर आपको समझाया था, ठीक है। आज अपन उनको एग्जांपल्स की थ्रू समझने वाले हैं, तो एग्जांपल को अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो गिवन होंगे एफ एक्स और जी एक्स, अपने को उनको एडिशन करवाना है और उनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में अपने को एफ एक्स जो है वो गिवन है 1 - x + x² ये मेरे को यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, ठीक है। और सेकंड जो है वो गिवन है जी एक्स गिवन है 2 + x² + x³, ठीक है। इस फॉर्म में मेरे को यहाँ पर ये दोनों गिवन है। अब मुझे पहली जो चीज़ इसमें ज्ञात करनी है ए में ज्ञात करना है f(x) + g(x), ठीक है। मुझे ज्ञात करना है f(x) + g(x), मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो सबसे पहले f(x) की वैल्यू रख लेते हैं 1 - x + x², ये f(x) की वैल्यू रख ली, साथ में g(x) की वैल्यू रख लेते हैं। g(x) की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2 + x² + x³। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, जब भी अपन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, बहुपद को जब अपन जोड़ते हैं, तो जो अपनी समान घातें होती है वो आपस में क्या होती है, जुड़ती हुई। तो यहाँ पर जो एक जैसी घातें हैं उनको मैं एक जगह कर लेती हूँ, उनका एडिशन करवा देती हूँ। तो 1 और इसके अंदर 2, ये दोनों क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं 1 + 2, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर आपको एक्स का कोई फैक्टर दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर एक्स का फैक्टर है तो इसमें एक्स का फैक्टर क्या है मेरा 0 है और इसमें एक्स का फैक्टर कितना है -1 है, तो -1 + 0 और इधर मल्टीप्लाई में एक्स, ठीक है। एक्स का फैक्टर, एक्स के जो मल्टीपल्स है, गुणांक है, उनको यहाँ पर लिखा है। फिर मैं यहाँ पर x² का, इसमें 1 है और इसमें भी x² का कितना है 1 है, ठीक है, उसको लिख लेती हैं। फिर यहाँ पे x³ को देखते हैं, x³ इसके अंदर नहीं है, सिर्फ इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे x³ लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन जो अपनी अलग अलग घातें होती है उनके कोफिशियंट को अपन एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन गलत लिखा हुआ है, ये माइनस है, ये इधर, ठीक है, ये होगा अपना। तो अब यहाँ पर जो अपना वैल्यू आने वाला है 2 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1, ये अपना एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये -1 और ये +1 कितना हो गया 0, और 0 को जब अपन x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बच गया कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, इन दोनों जो मेरे गिवन फंक्शंस हैं उनके एडिशन को यहाँ पर अपन डिफाइन कर लेते हैं। अब इनके मल्टीपल्स को कैसे डिफाइन करते हैं उसको यहाँ पर अपन देखेंगे। मल्टीपल्स के लिए देखिए, कल मैंने मल्टीपल्स के लिए भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था, तो मल्टीपल्स एफ एक्स
डॉट जी एफ, ठीक है। मल्टीपल के अंदर अपना सभी से मल्टीप्लाई रहता है, हर एक वैल्यू के अंदर सभी से मल्टीप्लाई रहता है। तो देखिए, वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे अपने कॉन्स्टेंट की बात होने वाली है, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे एक ही आएगी वैल्यू, कौन सी, वन डॉट टू, ठीक है। वन को जब मैं टू से डॉट करवाऊँगी, मल्टीप्लाई कराऊँगी, तब मेरे कॉन्स्टेंट आएगा। फिर यहाँ पे अपने एक्स की पावर यानी एक्स की घात एक, तो एक्स की घात एक जो है वो किस किस से आने वाली है, यहाँ देखिए, एक्स की घात एक वन डॉट टू, एक और किससे आने वाली है, एक ही रहेगी यहाँ पे, वन डॉट टू ही रहेगी एक्स की मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इस टू को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या आएगी, मेरी एक्स की घाते आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर की घात को अपन देखने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर की घात में देखिए, एक एक्स स्क्वायर इधर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो दोनों आपस में होंगे ही मल्टीप्लाई। तो ये जब इससे होगा तो माइनस वन डॉट टू एक, तो ये जो है ये इससे होगा वन डॉट वन इसमें आएगा, और कौन सी कंडीशन रहेगी, ये दो कंडीशन के अंदर अपना क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इन दो कंडीशंस के अंदर अपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो डिफाइन होगा। फिर अपन यहाँ देखेंगे एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब जो है वो भी अपनी दो कंडीशन के लिए डिफाइन होगा। एक्स क्यूब इससे जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो वन डॉट वन, ठीक है, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी होगा, और कौन सी कंडीशन में होगा, वन का से हो गया, इतनी कंडीशन पॉसिबल है, दो कंडीशन में अपना क्या हो गया, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने जो मल्टीपल्स हैं वो अपने आते जाएंगे आगे से आगे। जब इसको अपन पूरा सरल करेंगे, फिर एक्स फोर के मल्टीपल्स आएंगे, एक्स फोर के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, देखिए, वन डॉट वन प्लस है माइनस वन डॉट है वन, ये आएंगे एक्स फोर के मल्टीपल, ठीक है। फिर एक्स फाइव का और एक्स सिक्स का, एक्स फाइव का जो मल्टीपल है वो आएगा यहाँ पे ओनली माइनस वन डॉट है वन, ठीक है, ये एक्स फाइव का मल्टीपल होगा। और एक्स सिक्स का बाकी मल्टीपल्स क्या होंगे, इनके ज़ीरो हो जाएंगे। जिनसे अपने को वैल्यू प्राप्त होने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है, वो सिर्फ यही है। उसके बाद यहाँ पे इतने ही आएंगे, तो अब जब इनको सरल करेंगे अपन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, जब ये पूरी वैल्यूज क्या होगी मेरी, सरल होगी, तो यहाँ से आएगी टू, यहाँ से भी आएगी टू एक्स, यहाँ से ये माइनस का टू और प्लस का वन, तो क्या बनेगा अपना, माइनस का वन बचेगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स क्यूब वाले में ये कितना हो गया, टू एक्स क्यूब हो गया, टू एक्स क्यूब हो गया। फिर एक्स फोर वाले में ये कितना हो गया, ज़ीरो हो जाएगा, देखिए यहाँ से प्लस वन आएगा, यहाँ से माइनस वन आएगा, तो एक्स फोर ज़ीरो हो गया। और यहाँ से जब इसको सरल करेंगे तो माइनस का एक्स की पावर फाइव, ये जो है ये वैल्यूज अपने को यहाँ पर प्राप्त होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मेरा इन दोनों फलन यानी दोनों फंक्शंस का क्या हो जाएगा, मल्टीपल जो है वो अपने को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल के अंदर अपने को दोनों फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है, और अपने को उनको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करवाना होता है,
तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बेसिकली जो अपन पीछे पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से होगा, बिल्कुल जैसा आपको पॉलिनोमियल रिंग के अंदर पॉलिनोमियल्स का जो अपन ने प्रीवियस क्लास पढ़ा है उसी हिसाब से यहाँ पर किया जाता है। एक और एग्जांपल है, उसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर भी अपने को दो फंक्शन गिवन है और उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन और मल्टीप्लाई करवाना है। अगला जो है उसमें अपने को वलय दे रखी है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो वलय अपने को गिवन है यहाँ पे जेड सिक्स प्लस सिक्स है और क्रॉस सिक्स है, ठीक है। इसका मतलब आप जानते हो आपको कौन सी वलय दी गई है। यहाँ पे सिक्स के जो डिविजर्स होंगे वो यहाँ पर अपने को मिलेंगे, ठीक है, और उन्हीं से अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अपने को एफएक्स में एफएक्स कितना गिवन है, एफएक्स गिवन है 2 + 5x + 3x² और अपने को जीएक्स गिवन है 1 + 4x + 2x³ 1 + 4x + 2x। ये अपने को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स का क्या निकालना है, एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों निकालने हैं। पहला एफ एक्स डॉट जी एक्स, सॉरी प्लस, पहले दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 2 + 5x + 3x², ठीक है, और प्लस सिक्स रहेगा 1 + 4x + 2x³, ठीक है। अब अपने को पता है जो समान घातें होती है वो आपस में जुड़ेगी, तो 2 और 1 जुड़ेगा तो 2 + 6 = 1, ठीक है। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिखने वाले हैं। फिर प्लस में x की यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 4x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 = 0 एक्स स्क्वायर, और 0 + 6 = 2x³, ठीक है। ये इस तरह से अपन यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। अब जब इनको सरल करेंगे, ये 2 और 1 कितना हुआ मेरा, 3 हुआ, तो ये तो 6 से कम है तो कुछ नहीं करना, 3 का तो 3 लिखा जाएगा। ये 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, और 9 में जब अपन 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। ये 6 से छोटा है तो ऐसे ही रहेगा 3x², और ये भी 6 से छोटा है तो 2x³, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनका एडिशन जो है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों फंक्शंस का क्या आ जाता है यहाँ पे, एडिशन जो है वो आ जाता है। अब अपन इनका क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से डिफाइन होगा उसको अपन यहाँ देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, इसमें भी अपन पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे, इसके जो अलग अलग पद होंगे उनको एफ एक्स डॉट ए जी एक्स क्या लिखा जाएगा, 2 + 5x + 3x² और ये क्रॉस 6 लगेगा, ठीक है। क्रॉस 6 या डॉट 6 आप लिख सकते हैं, 1 + अब अपने पास अलग अलग जो पावर्स आती है उनको अपन अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले अपना जो होगा वो कांस्टेंट आएगा, 2 × 6 = 1, ठीक है, ये लिखा जाएगा। दूसरा जो होगा एक्स की मल्टीपल्स की फॉर्म में, तो
तो ये 2 जो है इस 4 से होगा, तो 2 क्रॉस 6 4 प्लस 6 ये जो है ये इससे होगा, 5 क्रॉस 6 1। ये किसका मल्टीपल होगा? एक्स की पावर 1 का मल्टीपल जो है वो यहाँ पर डिफाइन होगा। अब जो है एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या क्या होगा? एक तो ये होगा 3 क्रॉस 6 1, ये हो गया। और दूसरा जो है वो इससे हो जाएगा 5 क्रॉस 6 4, तो इसका मल्टीपल जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन एक्स क्यूब का देखते हैं। एक्स क्यूब का जो है वो क्या लिखा जाएगा? एक्स क्यूब का एक तो यही लिखा जाएगा 2 क्रॉस 6 2, ठीक है। उसके अलावा ये और ये लिखा जाएगा 3 क्रॉस 6 4, और ये मल्टीपल होगा एक्स क्यूब का, ठीक है। एक्स क्यूब के बाद अपन किसका लिखेंगे? एक्स 4 का तो मल्टीपल यहाँ पे होगा नहीं, सॉरी एक्स 4 का मल्टीपल लिखेंगे इसके बाद। एक्स 4 का मल्टीपल एक ही होगा जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है। तो 5 एक्स क्रॉस 6 2, ठीक है, ये एक्स 4 का होगा। उसके बाद अपन निकालेंगे एक्स 5 का, तो एक्स 5 के कितने होंगे यहाँ पे? एक ही होगा ये और ये 3 एक्स क्रॉस 2 2 एक्स की पावर 5, इस फॉर्म में यहाँ पर ये डिफाइन होगा, ठीक है। अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं और सरल करके आंसर निकालते हैं। इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। ये कितना हुआ? 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा, और वो 6 से छोटा है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 का मल्टीपल हुआ 8, 8 में जब 6 का डिवाइड होगा तो बचेगा 2, बीच में प्लस 6 है। 5 और 1 का मल्टीप्लाई होगा 5, तो ये 5 का 5 ही लिखा जाएगा, और बाहर है एक्स। इसी तरह से इसको सरल करते हैं, 3 और 1 का मल्टीपल 3 होगा प्लस 6 में, 5 और 4 का मल्टीपल होता है अपना 20, और 20 में जब अपन 6 का डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स क्यूब वाले को सरल करते हैं। एक्स क्यूब वाले में ये आएगा 4, तो ये छोटा है 6 से, ऐसा लिखा जाएगा, और फिर यहाँ प्लस 6 लिखे जाएंगे, और ये 3 × 4 कितने हो गए? 12, और 12 में 6 का डिवाइड होता है पूरा, तो रिमाइंडर 0 बच गया, और ये एक्स क्यूब। इसके बाद 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 10, 10 में जब अपन 6 का डिवाइड करेंगे आएगा 4 एक्स की पावर 4 आ जाएगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 6 में 6 का पूरा चला जाता है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ अपन इसको जोड़ के और सरल कर लेते हैं। ये तो 2 का 2 रहेगा, ये 2 और 5 कितने हो गए? 7, और 7 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 डॉट एक्स, ये 5 हुआ, 5 में 6 का डिवाइड होगा नहीं, तो 5 एक्स स्क्वायर, ये 4 हुआ तो 4 एक्स क्यूब, और ये हो गया 4 एक्स 4। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 की फॉर्म में डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अपना जो मल्टीपल है वो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 डॉट एक्स, यानी एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस, यहाँ कितना बचा? यहाँ पे बचेंगे अपने 4 एक्स की पावर 4। ये जो है ये अपने आंसर की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपन पॉलीनोमियल का मल्टीपल और एडिशन अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
ये आज की वीडियो में अपन ने पॉलीनोमियल्स के मल्टीपल्स और एडिशन को देखा है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।